नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा एकेडमिक सेशन 2022 से 2023 के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया गया है एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम एडमिशन प्रक्रिया 2022 से 2023 के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एडमिशन दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म लिंक, एडमिशन नोटिफिकेशन, फी स्ट्रक्चर, रेगुलर एंड SFS कोर्सेज, प्रोग्राम डिटेल्स, नंबर ऑफ सीट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पॉलिसी एंड एडमिशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जैसे महत्वपूर्ण लिंक दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। रेगुलर प्रोग्राम्स, BA LLB ऑनर्स इंटीग्रेटेड, MA ड्राइंग एंड पेंटिंग, MA इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, LLB, MSc कंप्यूटर साइंस, MSc Environmental Science, MSc Microbiology, MCom Business Management, PG Diploma in Geoinformatics and Remote Sensing, PG Diploma in Translation, Self Financing Program, Regular Programs हैं। इसी तरह से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, BA ऑनर्स इन हिस्ट्री, BA ऑनर्स इन जियोग्राफी, LLM, MA हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, MSc कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड बायोटेक्नोलॉजी, MA राजस्थानी, MSc इन योगा स्टडीज एंड थेरेपी मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्री बिजनेस, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, PG डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, PG डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड अश्योरेंस माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, PG डिप्लोमा इन लीगल एंड फॉरेंसिक साइंस, PG डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स एंड डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल्स माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी। पाठ्यक्रमों की जो सूची है यहाँ पर दी गई है, इसका अवलोकन हम कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम फी स्ट्रक्चर के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। SFS कोर्स, सीट, नेचर, ड्यूरेशन, फैकल्टी फंड, फी स्ट्रक्चर मंथली रिफंडेबल, स्टूडेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड एंड टोटल फी पर कोर्स एंड टोटल ईयर ऑफ पर सेमेस्टर, ले फीस आदि के संदर्भ में हम जानकारी यहाँ ले सकते हैं। पाठ्यक्रमों की जो सूची है यहाँ पर दी गई है, तो इसका अवलोकन हम यहाँ आसानी से कर सकते हैं। सेमेस्टर वाइज कितनी फीस का निर्धारण किया गया है, ईयर वाइज कितनी सीट का निर्धारण किया गया है, इसकी सूचना यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। इसी तरह से रेगुलर कोर्सेज के लिए भी जो फीस का निर्धारण है किया गया है। गर्ल्स ST एंड SC सर्टिफिकेट कोर्स इन MA PG डिप्लोमा कोर्स जनरल कैटेगरी पर सेमेस्टर की जो फीस का अवलोकन हम यहाँ आसानी से कर पाएंगे। प्रोग्राम डिटेल्स,
नेम ऑफ कोर्स, एलिजिबिलिटी, सीट्स, ड्यूरेशन, एडमिशन इन चार्जेस, SFS कोर्स कोऑर्डिनेटर्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं MSc कंप्यूटर साइंस के लिए 55% मार्क्स से ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सीट्स 20 हैं, 4 सेमेस्टर 2 ईयर प्रोग्राम है और यहाँ नंबर दिए गए, इन पर हम जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह से कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बात करें, MCOM बिजनेस मैनेजमेंट, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ 48% मार्क्स। सीटें कितनी हैं? 40, 2 ईयर प्रोग्राम है 4 सेमेस्टर का और यहाँ नंबर दिए गए हैं। इसी तरह से हम MA ड्राइंग पेंटिंग, MA इंग्लिश, यानी ग्रेजुएशन के लिए 48% और 55% का जो क्राइटेरिया है यहाँ रखा गया है। और ST/ST के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 5% की यहाँ पर जो छूट का प्रावधान किया गया है। 50% मार्क्स है कई डिग्रीज के लिए स्नातक स्तर पर। एडमिशन विल बी डन ऑन मेरिट बेसिस एज पर एडमिशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो एडमिशन लिया जा रहा है वो कैसा होगा? मेरिट बेसिस, यानी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम स्नातक स्तर पर या ट्वेल्थ स्तर पर जो एग्ज़ाम है, लास्ट क्वालिफाई एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम की जो परसेंटेज है उसके आधार पर यहाँ मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर रिजर्वेशन एंड रिलेक्शन एडमिशन पॉलिसी होगी स्टेट गवर्नमेंट की। ऑनलाइन आवेदन हम कर सकते हैं। SFS कोर्स के लिए यहाँ पर जो PG डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज एंड एप्लीकेशन फ़ी रिसिप्ट या तो 100 रुपये हैं। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट इन कंसर्न डिपार्टमेंट टू द ऑफिस ऑफ SFS कोऑर्डिनेटर, यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, इस पर हमें जो संबंधी जो दस्तावेज हैं वो जमा कराने होंगे। तो इस एड्रेस को हम विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी तरह से यहाँ पर कंसर्न डिपार्टमेंट की बात कही गई है, 100 रुपीज़ एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू सबमिट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। रेगुलर कोर्सेज की बात करें तब है यहाँ पर, तो ये एड्रेस दिया गया है, इस पर हम जमा करा सकते हैं। हार्ड कॉपी जमा करानी होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के पश्चात। इम्पोर्टेंट डेट्स हैं तो 10 जुलाई 2022 से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अंतिम तिथि रहेगी 20 अगस्त 2022। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन हार्ड कॉपी इन कंसर्न डिपार्टमेंट तो 23 अगस्त 2022 तक। हम अपनी एप्लीकेशन फॉर्म एवं आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करा सकते हैं। फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 24 से 25 अगस्त 2022 को जारी होगी। काउंसलिंग एंड फी डिपोजिशन होगा 26 से 29 अगस्त को। इंश्योरेंस सेकेंड नोटिफिकेशन एडमिशन होगा। तो यहाँ 30 अगस्त को अगर सीटें खाली देती है तो 30 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कमेंडमेंट ऑफ क्लास जो रहेगी, यानी क्लास स्टार्ट हो जाएगी 1 सितंबर से। तो यहाँ पर जो विस्तृत कार्यक्रम दिया गया है, फिर सेकेंड प्रोसेस होगी उसके काउंसलिंग के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। तो हमें 100 रुपये की जो फीस है उसका भुगतान करना होगा अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय, और जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर हमें संबंधित दस्तावेजों के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कराना होगा। इस तरह से हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स के संदर्भ में। तो सीटों की संख्या हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह से चार्जेस कितने रहेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं। इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं, एडमिशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, तो इसके संदर्भ में भी हमने पूर्व वीडियोज़ में विस्तारपूर्वक चर्चाएँ की हैं। तो ये एडमिशन पॉलिसी लागू की गई है कि मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होगा, सीटों की संख्या कितनी होगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसके संदर्भ में हम इस नोटिफिकेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। अब बात करेंगे ऑनलाइन एडमिशन के संदर्भ में। तो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म लिंक, दी गई लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने फील एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, चेक चालान स्टेटस, ओनली फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक दिखाई देंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमें फील एप्लीकेशन फॉर एडमिशन दी गई लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने स्टेप फर्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर हमें
कैंडिडेट नेम लिखना होगा जिसमें फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम, फादर नेम लिखना होगा, इसके पश्चात मोबाइल नंबर और DOB सेलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे पहले दिन, इसके पश्चात माह और इसके पश्चात वर्ष, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, जहां पर स्टेप सेकंड रहेगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है 20 KB से 50 KB तक का, हस्ताक्षर साइज है 10 से लेकर 30 KB तक का। यहां पर आवेदक का नाम लिखा जाएगा, पिता का नाम, माता का नाम, इसके पश्चात फ़ोटो अपलोड करेंगे। यहां पर मिनिमम इमेज है 20 KB और मैक्सिमम इमेज है 50 KB। फाइल फॉर्मेट है JPG, GIF और BMP। इसी तरह से यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे 10 KB से लेकर 30 KB तक का, JPG, GIF और BMP फॉर्मेट रहेगा। चूज़ फाइल पर क्लिक करके हम अपलोड कर सकते हैं। इसके पश्चात हमें नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेना होगा। तो इस तरह से स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, इस तरह से हम ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार फिल किया जा सकता है, इसके संदर्भ में हम अलग से एक महत्वपूर्ण वीडियो जल्दी ही लेकर आने वाले हैं। चालान स्टेटस हम यहां से चेक कर सकते हैं, जहां पर हमें चालान नंबर, DOB सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करके हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यहां से हमें एंटर टोकन नंबर, जन्म डेट भरकर प्रोसीड पर क्लिक करके हम टोकन नंबर के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म का रीप्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पर डिटेल क्लिक केयर का लिंक है, इसके माध्यम से हम और अधिक जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। फीस के संदर्भ में, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के संदर्भ में आदि के बारे में, इन सभी PDF फाइलों का लिंक MGSU के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सेंड कर दिया गया है, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसको आप अवश्य ज्वाइन करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसे आप अवश्य ज्वाइन करें ताकि इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं समय समय पर आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSC के साथ। जय हिंद, जय भारत।